गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इनफाइनाइट एजुकेशन सुबोध, वेलकम इनफाइनाइट एजुकेशन। तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? एंडोक्राइन ग्लैंड का इंट्रो पढ़ लिया, ठीक है सर। उसके बाद में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड भी पढ़ ली है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ ली, ये कंप्लीट हो गया। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक थायरॉयड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, तो इट इज़ द, स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाते चले। इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइनल ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एंड वेट इज़ अबाउट 25 ग्राम। तो जितने भी एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं, कौन कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइनल, ना कि एक्सोक्राइनल। एक्सोक्राइनल की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? एंडोक्राइनल की, जो कि आपके सामने ये है। तो इनमें से सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो क्या है? वो है आपकी थायराइड ग्लैंड। कौन सी? थायराइड ग्लैंड, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? इस जगह। अब इस जगह को क्या नाम दे, क्या नाम है इस जगह का? कहाँ पे सिचुएटेड होती है ये? किसके आगे पीछे, ऊपर नीचे, कौन सी जगह पे होती है थायरॉइड ग्लैंड? तो पढ़ते हैं अभी। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि जो थायरॉइड ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड है, वो आपके सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइनल ग्लैंड है, जिसका वेट 25 ग्राम होता है, ठीक। इट इज़ सिचुएटेड इन नेक रीजन, ठीक है। इस डायग्राम में देखो, डायग्राम में आपको पता है कहाँ पे है, इन नेक रीजन, गर्दन में है, नेक रीजन गर्दन वाले क्षेत्र में है। और नेक रीजन इन फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स के फ्रंट में, लैरिंग्स के फ्रंट में, ईस्ट साइड ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के दोनों साइड होती है, फ्रॉम C5 टू T1, जो वर्टिब्रा होता है थोरेक्स। तो इसकी जो सिचुएशन है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है ये? नेक रीजन में होता है, लेरिंग्स, लेरिंग्स के फ्रंट में, और इस साइड ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के इस दोनों साइड, और प्रत्येक साइड है ना, ट्रेकिया के प्रत्येक साइड, और फ्रॉम C5 टू T1, ठीक है। तो हम इस डायग्राम को जूम करें, तो जूम करने पर हमें ये डायग्राम आता है। ये हो गए आपके थायराइड ग्लैंड्स। तो ये देखो, ये हो गए आपके ट्रेकिया, ट्रेकिया के बोथ इच साइड, और फ्रंट ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स के फ्रंट में। तो आपको ये जो दिख रही है ये, ठीक, ये वाली, ये होती है आपके थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड को और पढ़ते हैं। इट हैज़ टू लोब, राइट एंड लेफ्ट, दोस लोब्स आर कनेक्टेड बाय थायरॉयड इस्थमस। ये देखो डायग्राम में, डायग्राम में देखो, डायग्राम में है कि राइट और लेफ्ट दो लोब हो गए, दोनों एक दूसरे से इस्थमस के द्वारा, किसके द्वारा? इस्थमस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं दोनों लोब। ये आपके, ये क्या हो गई? इस्थमस हो गई, ठीक है सर। देन द कलर ऑफ थायराइड ग्लैंड इज येल्लोइश ब्राउन। कलर क्या होता है? येल्लोइश ब्राउन। फिर आता है नोट, नोट डालो। इट इज ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विच कैन स्टोर इट्स प्रोडक्ट इन एक्टिव फॉर्म फ्रॉम इनएक्टिव फॉर्म फॉर लॉन्ग टाइम, अबाउट 100 डेज। कि जितने भी एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं उनमें से ये केवल एक ग्लैंड्स ऐसी है जो अपने प्रोडक्ट को इनएक्टिव फॉर्म में, अपने इनएक्टिव फॉर्म में जो प्रोडक्ट है उसको 100 दिन के लिए, लगभग 100 दिन के लिए रख सकती है स्टोर करके, ठीक है। आ सकता है एग्ज़ाम में। फिर आता है थायराइड ग्लैंड्स,
थायराइड ग्लैंड इज सराउंडेड बाय फाइबरस कैप्सूल. जो थायराइड ग्लैंड है ये फाइबरस कैप्सूल के द्वारा सराउंडेड होती है. ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपिक स्टडी, हमने जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की इस ग्लैंड की, ये जो ग्लैंड है इसके हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की, निकाला और इसको ध्यान से देखा भाई इसके अंदर क्या क्या है. तो हम क्या देखते हैं, इसमें कुछ स्ट्रक्चर दिखी, वो है आपके थायराइड फोलिकल. पहली स्ट्रक्चर दिखी थायराइड फोलिकल, दूसरी पैराथायराइड फोलिकल, बेसमेंट मेम्ब्रेन और कनेक्टर फाइबर्स. ये हो गई थायराइड ग्लैंड. और इसको हमने जब स्टडी करी माइक्रोस्कोपिक, तो हमने ये स्ट्रक्चर दिखने को मिली. तो ये स्ट्रक्चर देखने को मिली, तो पहले पढ़ते हैं क्या क्या है थ्योरी. सॉरी, दे आर क्यूबॉइडल सेल. कौन सी थायराइड फोलिकल है वो क्यूबॉइडल सेल्स होती है. देट आर प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन ग्लैंड, जो कि ग्लैंड में अधिक अमाउंट में पाई जाती है. क्या कहा मैंने कि अब इस डायग्राम में देखो, जो आपके ये होती है फोलिकल वाली थायराइड फोलिकल, ये हो गई, सॉरी एक, ये है आपके थायराइड फोलिकल सेल. तो ये आपके लार्जेस्ट अमाउंट में पाई जाती है इस सेल में, या इस ग्लैंड में लार्जेस्ट अमाउंट में कौन सी पाई जाती है, फोलिकल सेल. ठीक है, उसके बाद में ये देखो, ये फोलिकल हो गई, ये क्या हो गई, फोलिकल सेल हो गई. उसके बाद में क्या है, दीज सेल्स सीक्रेट T4 एंड T3 हार्मोन. जो ये सेल है कौन सी, थायराइड फोलिकल सेल, ये आपके T3 और T4 हार्मोन है वो सेक्रेट करती है. T3 का पूरा नाम क्या है, ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, या सॉरी पैराथायरॉयड फोलिकल, जिसे हम C सेल भी कहते हैं, सी सेल. ठीक है, दिस सेल्स आर फाउंड इन लेस अमाउंट में ये सेल्स पाई जाती है. इट्स सीक्रेट कैल्सिटोनिन हार्मोन. देखो वो वाला तो T3 और T4 करता है, कौन सा, थायराइड फोलिकल, और पैराथायराइड फोलिकल है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो सीक्रेट करता है. तो देखो इसमें डायग्राम में कौन सा है भाई, ये वाली सेल्स है ना, ये वाली सेल, देखो ये हो गई और ये हो गई. जो मैं रेड रेड से कर रहा हूँ, ये आपके पैराथायरॉयड फोलिकल्स हो गई, या सी सेल हो गई. तो ये क्या करती है, ये आपके लेस अमाउंट में पाई जाती है, और वो लार्ज अमाउंट में पाई जाती है. ये लेस अमाउंट में पाई जाती है, और ये आपके कैल्सिटोनिन सीक्रेट करती है, और वो T4 और T3 सीक्रेट करती है. ठीक है, फिर आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या काम करती है, इट्स द मेम्ब्रेन विच बाइंड बोथ सेल टुगेदर. ये दोनों सेल से, इसको मिटाओ, फोलिकल और सी सेल, इन दोनों को एक साथ रखने का काम कौन करता है, बाइंड करने का काम बेसमेंट मेम्ब्रेन करती है. फिर आता है कनेक्टर फाइबर्स. सम कनेक्टर फाइबर्स आल्सो प्रेजेंट दीज सेल्स. कुछ कनेक्टर फाइबर्स है जो कि इस सेल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, कौन कौन से फंक्शन है. पहला हो गया थायराइड हार्मोन रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे हम BMR भी बोलते हैं. BMR को रेगुलेट करती है थायराइड हार्मोन. आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन. RBC के जो फॉर्मेशन में जो प्रोसेस होती है, RBC बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसको सपोर्ट भी करता है. थर्ड पॉइंट, थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट द प्रोटीन
और थायराइड, थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रेट ए प्रोटीन हॉर्मोन कॉल्ड थायरोक्स, जो आपके हाँ थायरोकैल्सिटोनिन, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, तो ये आपके फंक्शंस हो गए। लास्ट फंक्शन क्या है आपका, थायराइड ग्लैंड है वो प्रोटीन सीक्रेट करता है, प्रोटीन, और जो ये हार्मोन क्या कहलाता है, TCT हार्मोन कहलाता है, जो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक, नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 in number संख्या में 4 पाई जाती है, एंड दे आर सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इच, अरे सॉरी, लवलिक लोब, इच लोब, गलत लिख दिया यार, थायराइड ग्लैंड के प्यार के सरफेस पे है, यहाँ पे लोब आएगा है ना, लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसका वेट कितना होता है, 50 mg इच, एक का 50 mg होता है, तो 4 हो गए, तो 4 का कितना हो गया 200। सेप स्मॉल बीन सेप की पाई जाती है, चलो डायग्राम में देखते हैं, ये हो गई थायराइड ग्लैंड। और जो यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये होती है पैरा थायराइड ग्लैंड, संख्या में कितनी 4 होती है, और बीन शेप की होती है। ठीक है, प्रत्येक का कितना होता है, 50 mg वेट हो गया, यही मैंने अभी बताया आपको, और पोस्टीरियर सरफेस पे होती है, यहाँ पे लिख रखा है बैक व्यू। और एक बात और, ये प्रत्येक लोब में पाई जाती है, ना कि लव में, ठीक है, कंप्लीट, आगे चलते हैं। सॉरी, द पैराथायरॉयड ग्लैंड आर सराउंडेड बाई ए फाइबरस कैप्सूल, सेम वही बात आ गई, जो थायराइड ग्लैंड है वो भी फाइबरस कैप्सूल से सराउंडेड होती है। द पैराथायरॉयड ग्लैंड आर फॉर्म्ड बाई टू टाइप्स ऑफ सेल, कौन कौन सी सेल होगी, फर्स्ट वन इज चीफ सेल एंड सेकेंड इज ऑक्सीफिल सेल। तो जो चीफ सेल है वो क्या है, दीज सेल्स प्रोड्यूस पैराथायरॉयड हार्मोन, जो ये चीफ सेल है ये आपके पैराथायरॉयड हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, जिसे PTH भी बोलते हैं, या पैरा थार्मोन, इसको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और ऑक्सीफिल सेल है वो क्या काम करती है, ये आपके इसका जो फंक्शन है वो अभी तक नोन नहीं है, अननोन है, अभी तक इसका फंक्शन पता नहीं है। और जो ये चीफ सेल और ये है, ये आपके प्यूबर्टी के टाइम पे बनती है या प्रोड्यूस होती है, और बर्थ के टाइम पे नहीं होती, नॉट बर्थ, बर्थ के टाइम पे नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, फंक्शन हो गए, कैल्शियम इज रिलीज्ड फ्रॉम द बोन्स एंड इनटू ब्लड स्ट्रीम, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड वाया इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि थायराइड के पैराथायरॉयड ग्लैंड खाएं, ट्रेकिया के पास में ना, ट्रेकिया के और लेरिंग्स वगैरह के, कैल्शियम स्टोरेज एकॉम्प्लाइज्ड वाया किडनी, जो किडनी में, किडनी के द्वारा कैल्शियम स्टोरेज होता है उसको समाप्त करता है, ठीक, नष्ट करता है। तो आज क्या पढ़ा हमने, आज पढ़ा पैरा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में हमने देखा सबसे पहले स्ट्रक्चर देखी, सबसे लार्जेस्ट हो गई, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई,
25 ग्राम इसका वेट हो गया। कहाँ पे सिचुएटेड होती है? नेक रीजन में, लेरिंग्स के फ्रंट में, ट्रेकिया के इच साइड, C5 से T1 तक। फिर दो लोब हो गए, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। दोनों लोब एक दूसरे से इस्थमस के द्वारा कनेक्ट होते हैं और इसका कलर है वो येलोइश ब्राउन होता है। डायग्राम में देख लो, ये डायग्राम में देखो आप, इस्थमस से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं प्रत्येक लोब हो गया राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। और ये एक ऐसी ग्लैंड है जिस जो इनएक्टिव फॉर्म में लंबे समय तक अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर सकती है, अबाउट 100 डे। फिर आ गया थायराइड ग्लैंड सराउंडेड फाइब्रस कैप्सूल, ये भी फाइब्रस कैप्सूल से, और पैराथायराइड भी फाइब्रस कैप्सूल से। और माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी तो हमने 4 सेल इसमें देखने को मिली, हमें 4 स्ट्रक्चर थायराइड फोलिकल्स जो कि क्यूबॉइडल होती है और T3 T4 हॉर्मोन है वो सिक्रेट करती है, ठीक है। ये पढ़ लिया, इसके नाम हो गए थायरोक्सिन, हाँ पैराथायराइड फोलिकल। पैराथायराइड फोलिकल है वो कैल्सीटोनिन हार्मोन है वो सिक्रेट करती है और लेस अमाउंट में पाई जाती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, लेस अमाउंट में हो गई। और वो वाली है ये आपकी लार्ज अमाउंट में हो गई, ये लेस अमाउंट में हो गई। इसे हम सी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, दोनों को कनेक्ट करने का या बाइंड करने का काम कौन करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और कुछ कनेक्टिव फाइबर्स भी इसमें पाए जाते हैं। फिर हमने फंक्शंस देख लिए, फंक्शंस पैराथायराइड ग्लैंड देखी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, कौन सी ये आपको पता है? यहाँ पे क्या मिस्टेक करी है? यहाँ पे आएगा आपके पास अब, सही है ठीक है, लोब स्मॉल बीन की इसकी स्ट्रक्चर हो गई। टू टाइप की सेल पढ़ ली हमने, कौन कौन सी? चीफ सेल और ऑक्सीफिल सेल, ठीक है। ये PTH पैराथायरॉइड हार्मोन सीक्रेट या प्रोड्यूस करती है, इसका काम अभी तक पता नहीं है। और प्यूबर्टी के टाइम में होती है, बर्थ के टाइम पे नहीं होती। इसमें भी वही फाइब्रस कैप्सूल सराउंडेड होता है। इसके फंक्शन हो गए, जो किडनी के द्वारा कैल्शियम स्टोरेज होता है उसको एकोम्प्लाइज्ड करती है, यानी कि नष्ट करती है, ठीक। तो आज हमने क्या पढ़ा? अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? पिट्यूटरी पढ़ ली, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड। तो हमने 3 ग्लैंड्स पढ़ ली है। और कल एक नई ग्लैंड के साथ आएंगे, एक या दो कितनी भी हो सकती है, टाइम के ऊपर देखते हैं। और ठीक है, ये नंबर 9462341892। कुछ भी डाउट क्यूरी वगैरह हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज करें। नोट्स के लिए आपके देखो कमेंट आ रहे हैं नोट्स वगैरह के लिए, तो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप है उसमें प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दी हुई है उसे ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम भी है, जहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सके वहाँ पे कनेक्ट हो जाइए। तो लेक्चर आपके आ रहे हैं, वन शॉट भी आ रहे हैं, और कोई लेक्चर बड़ा हो तो उसको छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड करके भी आपके पास वीडियो आ रही है। आपके यूरिनरी हो गया और ब्लड वेसल हो गई, एंडोक्राइन चल रही है ना, और हाँ रिप्रोडक्टिव हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्लड हो गया, कार्डियोवास्कुलर हो गया, ठीक है। और अब स्किन या ईयर चलेगा आपके, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगभग आपके 7-8 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए हैं, 6-7 तो है ना। कल शायद आपके ईयर का आ सकता है, मे बी ईयर का आपके लेक्चर आ सकता है। और ये आपके एंडोक्राइन वगैरह चल ही रहे,
सोशियो या साइको का, हाँ सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी के लेक्चर भी आपके मिल सकते हैं 1 या 2 दिन में, ठीक है। और आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट ज़रूर करें। लेक्चर कैसा लगा, सभी जो वीडियो है लेक्चर है उसके कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए ग्रेंड्स के साथ।